जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ हेड इस्लाम दरियाए सतलुज पर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। वो इस वजह से बंद किया है, यहाँ से जो बंद इन्होंने लगाया हुआ था सेंटर में, ये बंद टूट गया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो यहाँ पर अंदर चला गया था जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। लेकिन इन्होंने अब यहाँ पर क्रेन मंगवा के दोबारा इस बंद को मजबूती के लिए बनाना शुरू कर दिया और इसका काम जो है वो कर रहे हैं। और बंद के दोनों तरफ जो है वो हैवी ब्लॉक जो हैं, हैवी वेट वाले, वो दोनों तरफ रखे जा रहे हैं ताकि बंद जो है वो अब दोबारा इस तरह ना टूटे। और वो नीचे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, एक ट्रैक्टर है जिसकी मदद से पानी जो है वो जो अंदर चला गया है उसको दोबारा यहाँ से दरिया के अंदर जो है वो फेंका जा रहा है, ताकि ये जो जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ये खुश्क हो जाए और पानी यहाँ से निकल जाए, ताकि जो काम है वो दोबारा जो है शुरू किया जाए। और आप सामने देख रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्रेने मशीनरी और लोग जो हैं लेबर, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग काम कर रहे हैं। और वो जो सामने जहाँ पर जनरेटर पड़े हुए हैं वहाँ तक ये पानी चला गया था, और जनरेटर की मदद से भी वहाँ पे डैमो लगाई हुई हैं मोटरें, उनकी वजह से यहाँ से ये पानी जो है ये निकल रहा है। और यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगा हुआ है और क्रेन जो है इस बंद की मजबूती के लिए दोबारा नए सिरे से काम शुरू कर रही है, ताकि बंद को मजबूत किया जाए और ये जो पानी है ये निकल जाए और यहाँ का जो एरिया है इसको खुश्क किया जाए और दोबारा जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू किया जाए। ये जी आज की अपडेट थी मैंने जो आपके साथ शेयर की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।